अभी नवदीप ने प्लस टू किया था. मतलब मेरी फैमिली बेसिकली लैंडलेस प्रेजेंट्री है, मतलब कोई जमीन नहीं है, और दलित कम्युनिटी से हैं हम लोग. पंजाब के अंदर एक मुक्तसर डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पे हमारा गांव है, और उसमें मतलब मजदूरी ही करते हैं पेरेंट्स भी. और मेरे पापा कुछ टाइम से, हम लोग काफी सालों से तेलंगाना में जाके एक वर्कशॉप पे काम कर रहे थे. और जब ये लॉकडाउन हुआ तो मतलब जैसे बाकी लोगों पे भी इसका बहुत ज्यादा इफेक्ट हुआ, तो हमारी फैमिली पे भी इसका बहुत इफेक्ट हुआ. और नवदीप की भी मतलब कुछ इकोनॉमिक सिचुएशन की वजह से बहुत गैप रहा स्टडी के अंदर भी. तो वो अभी उसने यहाँ पे मेरे पास आई थी, मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ रही हूँ, तो वो मेरे पास रही थी. और मतलब उसको वो सोच रही थी कि मैं पार्ट टाइम जॉब करके पढ़ूंगी भी और साथ में कुछ फैमिली को हेल्प करूंगी. उसके चलते फिर वो कुंडली मतलब एरिया के अंदर एक फैक्ट्री के अंदर उसने काम करना शुरू किया. फेम कंपनी है, वहां पे उसने काम करना शुरू किया. फिर उसने साथ साथ में एक दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेज में जो मतलब अप्लाई किया ताकि वो ग्रेजुएशन कर पाए. तो ये सारा मतलब कुछ घर की प्रॉब्लम्स रही जिसकी वजह से उसको जॉब करनी पड़ रही थी. अगर उसके एडमिशन होते हैं तो फिर वो दिल्ली के अंदर भी रह के मतलब पार्ट टाइम जॉब करके ही वो पढ़ती. तो ये सारी सिचुएशन है. और अभी हमारी फैमिली में और कोई सोर्स नहीं है कि मतलब जहाँ से कुछ इकोनॉमिक हेल्प मिल पाए. मेरे पापा का भी मतलब वो काम छूट गया था पिछले काफी टाइम से, तो ये प्रॉब्लम के चलते ही वो उसको ये करना पड़ा जॉब भी. 12 जनवरी को उसकी अरेस्टिंग हुई थी, और हमें फैमिली को किसी को भी बताया नहीं गया था कि उसको कहाँ पे रखा है, क्या मतलब FIR के मतलब क्या क्या सेक्शन है. मतलब FIR भी हमें नहीं दी गई और सूचना भी नहीं दी गई नवदीप के बारे में. SP रेजिडेंस पे गए थे हम लोग ये पता करने के लिए कि नवदीप को कहाँ पे रखा है. तो फिर हम लोगों को वहां से कंट्रोल रूम से हम लोगों को रिमांड पेपर मिले, और ये बोले कि हम लोग करनाल जेल भेज दिया. फिर 13 जनवरी को मैं करनाल जेल में मिली हूँ उससे, जहाँ पे मुझे उसने बताया था कि मतलब टॉर्चर किया गया उसको बुरी तरह से, और उसके चोटे हैं मतलब काफी. और बहुत कम उसने बताया, मतलब बहुत सारा चीज उसने बताया भी नहीं. तो फिर उसके बाद हम लोग 14 तारीख को ही मेडिकल के लिए अप्लाई किया हाई कोर्ट के सेशन कोर्ट के अंदर. तो मेडिकल के लिए ऑर्डर होने के बाद 25 जनवरी को मेडिकल हुआ. तो 25 जनवरी को मैं दोबारा मिली हूँ उसको. तो मैं अभी तक दो दो बार मिली हूँ, और कल उसका फोन भी आया. तो उसने कुछ पुलिस कर्मियों के नाम भी बोले जिन्होंने टॉर्चर किया, और कोई महिला कर्मचारी नहीं थी. मतलब लाठी डंडे से और इवन उसके बाल खींच के घसीट के भी उसको पीटा गया है. तो अभी हम लोग जब सेशन कोर्ट से भी रिजेक्ट हो गई बेल, इवन के उसके ऊपर ऐसे ऐसे जो सेक्शन लगाए गए हैं जो नॉन बेलेबल है, मतलब 307 है, 384 है, 379B है, एक्सटॉर्शन का है 384 जो है. तो वो मतलब अगर कोई वेजेस अपना मांग रहा है तो उसके ऊपर मतलब एक्सटॉर्शन लगा देना बहुत मतलब बहुत शॉकिंग है ये सब चीज. और अगर आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो आप पे 307 लगा दिया जाए, जबकि मजदूरों के ऊपर ही गोली चलाई गई. तो नवदीप मतलब साथ में खड़ी रही है. और अभी मतलब ये है कि अगर ये 3 धाराएं नहीं हटी, बहुत सारे लॉयर से भी बात चल रही है, हाई कोर्ट के अंदर भी हम लोग जाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जो धाराएं लगाई गई हैं, मतलब हम लोग बेल के लिए जरूर अप्लाई कर रहे हैं, लेकिन ये धाराओं का कोई बेस ही नहीं है. मतलब नवदीप ने कोई ऐसा एक्शन किया हो जिसकी वजह से मतलब ये बोला जा सके कि ये किसी की जान लेने गई थी, पुलिस के ऊपर अटैक किया जानलेवा, इस तरीके से बनाने की कोशिश की जा रही है. तो हम लोग अभी यही कोशिश करेंगे कि हम लोग लगातार एप्लीकेशन भेज रहे हैं जो जो इधर SC कमीशन में भी भेजा है, महिला आयोग में भेजा है, या फिर CGI को भी भेजा है, और अलग अलग जगह पे हम लोग एप्लीकेशन भी भेज रहे हैं कि इसकी इंक्वायरी की जाए. और मतलब ये बिल्कुल फेक मतलब FIR है, तो वापिस लिया जाना चाहिए. हाँ जी, हम लोगों ने 23 जनवरी को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी जिसके अंदर महिला ऑर्गेनाइजेशन मतलब बहुत सारे महिला ऑर्गेनाइजेशन से हमारी बात हो रही है वैसे अभी भी. तो अभी कुछ कुछ मीडिया ने कवर किया है, मतलब वो भी ऐसा नहीं है कि
मेन स्ट्रीम मीडिया अभी भी इस पे चुप है. मतलब इसमें कास्ट और क्लास का एंगल भी बिल्कुल है, बहुत क्लियरली है. और अगर मजदूर है तो तब भी आपकी आवाज उतना नहीं उठाएगी पुलिस ना, मतलब ये मीडिया भी. तो उसमें मतलब किसान किसान हमारे साथ 4-5 किसान यूनियंस है जो आए हैं, लेकिन अभी तक मतलब वैसा ये बन नहीं पाया कि रिहाई वाला वो इतना. मतलब 12 जनवरी से अरेस्टिंग हुई है और आज आप सोचिए कि इतने दिन हो गए हैं किसी को जेल में, और ऐसा कुछ उसने गुनाह नहीं किया जिसकी वजह से उसको जेल में मतलब कोई भी जस्टिफाई कर पाए उसको जेल में रहना उसका. तो उसमें मतलब अभी तक बेल भी रिजेक्ट हो गई है, अभी हम लोग को हाई कोर्ट मूव करना पड़ेगा. तो ये पूरा प्रोसेस ही मतलब बहुत अनडेमोक्रेटिक है, जिसने कुछ नहीं किया उसके लिए. मेडिकल रिपोर्ट तो अभी तक हमें मिली ही नहीं है. 25 जनवरी को मेडिकल हुआ है तो अभी तक नहीं आया. और जो मतलब हम लोग लगातार मीडिया में बोल भी रहे हैं तो वो यही है कि मतलब उसको टॉर्चर किया गया है, लाठी डंडे से टॉर्चर किया गया और पुरुष कर्मचारियों द्वारा पीटा गया है, जिसके चलते उसके मतलब बॉडी पार्ट्स पे, प्राइवेट पार्ट्स पे भी चोटें हैं, है ना. हम लोग ये नहीं बोल रहे हैं कि उसको मतलब सेक्सुअल वायलेंस सिर्फ ये नहीं है ना कि आपके साथ रेप हुआ हो, है ना. तो मतलब उसका पुरुष कर्मचारियों द्वारा उसके बॉडी पार्ट्स को टॉर्चर किया गया है, इसको ये भी सेक्सुअल वायलेंस है. तो मतलब आप जब जब हमारा ये कानून कहता है कि जब जब किसी महिला की अरेस्टिंग की जाएगी वहां पे पुलिस महिला कर्मचारी ही उसको अरेस्ट करेंगे और उसको हाथ तक भी नहीं लगा सकते हैं पुरुष कर्मचारी, तो उसको के किस राइट से मतलब जो मेल कांस्टेबल ने थाने के अंदर भी उसको टॉर्चर किया और रास्ते में भी टॉर्चर किया. 23 जनवरी को उसकी अरेस्टिंग हुई है शिव कुमार की, लेकिन उसके पेरेंट्स को कुछ पता नहीं है इतने दिन से. और 30 तारीख को पता चलता है कि उसकी अरेस्टिंग हुई है, और बाद में मतलब ना तो उसकी फैमिली को कोई इन्फॉर्म किया गया, बिना लॉयर के उसको कोर्ट के अंदर प्रोड्यूस कर दिया गया, 10 दिन का जो मतलब पुलिस कस्टडी दे दिया गया उसको, और किसी को कुछ पता नहीं है. मतलब इससे ज्यादा मतलब शॉकिंग क्या हो सकता है कि कोई बाहर से आपका पूछने भी नहीं आ सकता है क्योंकि उनको पता ही नहीं है आप कहाँ पे हैं. तो मतलब वो और भी ज्यादा प्रॉब्लमेटिक है, क्योंकि मैं तो अपनी सिस्टर से 13 जनवरी को मिल ली थी, उसके साथ अभी ये हालत है कि उसको जेल के अंदर अभी 10 दिन के बाद जेल के अंदर भेज दिया, सोनीपत जेल के अंदर, और उसको बहुत ज्यादा टॉर्चर किया गया, वो भी कुछ और लोगों ने बताया. और उसके पेरेंट्स भी नहीं मिल पा रहे जेल के अंदर. तो ये तो कोई कानून नहीं है कि आप जेल के अंदर नहीं मिल सकते हैं, और लॉयर तक भी नहीं मिल पा रहा है. तो ऐसा क्या उन्होंने गुनाह किया, मतलब चाहे बड़े से बड़ा कोई क्रिमिनल क्राइम किया हो, कोई भी क्रिमिनल हो, उसके भी कुछ राइट्स होते हैं जेल के अंदर, वो भी नहीं है. मतलब इसके इसका मतलब सीधा सीधा मतलब ये है कि जितना उन्होंने 10 दिन के अंदर उसको टॉर्चर किया है, तो वो मतलब अगर कोई मिलेगा तो वो सीधा बात है कि वो बाहर आएगा, उसकी हालत क्या है जेल के अंदर. तो मतलब हम लोग उसके लिए भी बोलने की जरूरत है कि मतलब ऐसा क्यों ऐसा प्रोसेस अपनाया पुलिस ने, तो उसके किसी को भी इन्फॉर्म नहीं किया और उसको 10 दिन का रिमांड में भेज दिया गया. किस तरीके से मतलब जुडिशियल वाला भी सारा ये चल रहा है ना. तो मतलब ये भी है कि बिल्कुल वो भी दलित कम्युनिटी से हैं और मजदूर हैं, इसी वजह से मतलब किसी भी तरीके से उनको टॉर्चर किया जा सकता है, उनके प्रति कोई भी मतलब कोई लॉ लागू नहीं होगा. ये कहाँ है, ये कानून कहाँ है कि ये सेक्शन के लिए अलग तरीके से हम लोग बढ़ाएंगे. शिव कुमार के बारे में मैं ज्यादा नहीं बता सकती, मतलब लेकिन मैं आपको कांटेक्ट नंबर जरूर अरेंज करके दे सकती हूँ. लेकिन जितना मुझे पता है उसके घर की हालत बहुत ज्यादा खराब है. वो एक दलित फैमिली से हैं और उसके पापा हैं, और अभी जो शिव कुमार का है वो ना मतलब उसका बहुत हाई लेवल का टैक्स लगी हुई है उसके, और एक आंख से उसको दिखता ही नहीं है और उसका स्पेक्स भी नहीं है उसके पास. तो मतलब बहुत बैकवर्ड क्लास से वो आते हैं, मतलब जिसकी वजह से वो अपनी स्टडी भी कंटिन्यू नहीं कर पाए. और वो भी एक मतलब कुंडली के अंदर ही वो एक फैक्ट्री के अंदर काम कर रहे थे, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि किस फैक्ट्री के अंदर काम कर रहे हैं वो भी. तो वो भी इस किसान आंदोलन के अंदर आए, तो
यही सब मुझे पता है। बाकी आपको शिव कुमार की फैमिली का हम जरूर नंबर देंगे, क्योंकि उनको इमीडिएटली कवरेज का जरूरत है ताकि मीडिया उसकी आवाज उठाए और पुलिस से पूछे कि शिव कुमार को क्यों अरेस्ट किया गया है। मतलब मुझे लगता है कि जिस तरीके के मैं फैमिली बैकग्राउंड से आती हूँ उसमें मतलब हमारी लगातार स्ट्रगल रही है यहाँ तक पहुँचने में। मतलब मैं समझती हूँ कि मेरा यूनिवर्सिटी के अंदर आना भी एक मतलब बहुत बाय चांस है कि मेरे जैसे लोग यूनिवर्सिटी के अंदर हैं। और इसी के चलते जब आप फैक्ट्री के अंदर काम कर रहे हैं, महिला पुरुष को अलग अलग वेतन मिल रहा है ना, मतलब जैसे कानून तो ये बोलता है कि सेम काम के लिए सेम वेतन होना चाहिए, इतना भेदभाव है सोसाइटी के अंदर, तो आपको कहीं ना कहीं आवाज मतलब आपकी मजबूरी है कि आपको बोलना पड़ेगा ना, नहीं तो ये एक्सप्लॉयटेशन कभी रुकेगी नहीं। इसीलिए मैं मतलब हम लोग सपोर्ट कर रहे हैं, हमारी सारी फैमिली नवदीप के साथ है कि उसने कुछ गलत नहीं किया, तो करना चाहिए। इस देश के अंदर अगर कुछ भी गलत होता है किसी के साथ भी खड़े होना चाहिए, और वो ठीक है, हम लोग उसके साथ हैं। चाहे मतलब उसको 12 जनवरी से वो जेल के अंदर है, आज कितने दिन हो गए, आगे भी जो भी प्रोसेस रहेगा हम पूरा साथ में हैं, चाहे हमें कहीं तक भी जाना पड़े। एक जरूर है कि जिस तरीके से अभी आंदोलन है, किसान आंदोलन चल रहा है, तो उसी के चलते ही मतलब मजदूर अधिकार संगठन इसका पार्ट रहा, एक्टिव पार्ट रहा। नवदीप ने भी इसके अंदर 2,000 मजदूरों को मोबिलाइज करके मार्च किया, तो ये बहुत बड़ी बात है कि इस देश के अंदर इतना बड़ा आंदोलन चल रहा है। और हम जब मजदूर किसान यूनिटी का नारा देते हैं तो वो सिर्फ नारा नहीं रहना चाहिए, वो दिखना चाहिए, और मजदूरों की डिमांड जो है वो किसानों को भी उठानी चाहिए। तो मतलब मुझे ये लगता है कि ये सिर्फ नारा ना रह जाए कि जो मतलब हम देते हैं, तो उसको प्रैक्टिकली लेके आना पड़ेगा, क्योंकि इस देश के अंदर जो बुनियादी तौर पे जो देश को चला रहे हैं वो मजदूर किसान है। अगर उनकी बात नहीं सुनी जाएगी तो वो ये लोकतंत्र नहीं है सर।